मेडिटेशन की आंगन में उतरते चले आना। थोड़ी देर के लिए तुम अकर्ता दृष्टा साक्षी हो जाना, अपने भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतर जाना। जीवन की खोज, जीवन की तलाश, जीवन को जगमगाते हुए जीना, अपनी आत्म ज्योत को जगमगाते हुए जीना। माइंड तक ही नहीं रह जाना, माइंड के बाहर जीवन लहलाता है, वो निरंतर जगमगाता है। उसी राह में अपनी चेतना को प्रवाहित करना, बाहर की दोनों पल के मुंदटी भीतर की ओर, थोड़ा अपने आप में रहना, थोड़ा अपने स्वभाव में रहना, अपनी सुरती में रहना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। जैसे बाहर का है ऐसे भीतर का हो जाना, स्वाभाविक रूप से हो जाना। ये होता है, किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो ध्यान नहीं है। स्वाभाविक रूप में सहज सरल साधारण होते जाना और वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। माइंड को सीधा सीधा देखना, माइंड को ही देखना, माइंड के स्वभाव को देखना। देखना हमारा स्वभाव है, ये क्रिया नहीं, कोई टेक्निक नहीं, मेथड नहीं। बाहर देखते देखते थोड़ा भीतर की ओर देख लेना, अपनी ओर देख लेना, अपने को देख लेना, अपने माइंड को अच्छी तरह समझ लेना, इसके स्वभाव को तुम पहचान लेना। डुअलिटीज, द्वंद्व, दुई, द्वैतिस का स्वरूप है। अधिकतर पास्ट में रहता है, अधिकतर नेगेटिव है। आप इस मेडिटेशन के प्रोसेस में इस सच्चाई को अच्छी तरह से स्वयं अनुभव करोगे, आपको सर्वप्रथम भीतर की जीवन यात्रा पर ईगो, अहम, अहंकार से मिलन होगा। अंधेरों के पश्चात माइंड से मिलन होगा। ये जीवन की राह, ये जीवन की यात्रा पर इसकी तमाम नेगेटिविटीज का तुझे स्वयं अनुभव होगा। जब तो जागे जागे रहेगा थोड़ी देर, मेडिटेशन के प्रोसेस में, मेडिटेशन के समय आपने कुछ नहीं करना, किसी प्रकार का भी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना, किसी तरह की भी एक्सरसाइज नहीं करना। अर्थात थोड़ी देर के लिए मौन हो जाना, आपका सिमरन, आपका जाप अपने आप चलता है, अब उसको करने की जरूरत नहीं। थोड़ा विश्राम देना अपने जाप, अपने सिमरन को, उसे स्वतः चलने देना। तुम देखने वाले हो जाना,
बहुत किया तूने, बहुत किया, बड़ी परिश्रम किया, बड़ी मेहनत किया, तूने बहुत करके देखा किंतु कुछ बना नहीं। भीतर कहीं कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस, कहीं कोई इंप्रूवमेंट। पुनः पुनः मन के हाथ चले जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए हिप्नोटिज्म आता है, फिर वही के वही हो जाते हैं हम। कोई परिवर्तन नहीं हमारे स्वभाव में, कोई तब्दीली नहीं कहीं कोई भी पॉजिटिविटी का। सकारात्मक स्थिति का अनुभव हाथ नहीं लगता। परंतु अगर तुम थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, अकर्ता हो जाइए, नॉन डूअर हो जाइए, केवल देखने वाले दृष्टा साक्षी हो जाइए, तुम अपने शिवनेत्र से, थर्ड आई से, अपने स्वभाव से थोड़ा कनेक्टेड हो जाइए, ये कनेक्शन तुझे अमृतस्य बना देगा। अपनी प्यास में डूबते चले जाना और कर विचारों की भीड़ है, विचारों की ट्रैफिक है, विचारों की आवाजाही है, विचार ही विचार है, थॉट्स ही थॉट्स हैं, मोस्टली अननेसेसरी है, उन सब को देखने वाले हो जाना। बहुत बड़ी शूरवीरता है अपने को देखना, अपने भीतर अपनी ओर जागे जागे देखना। दीदार के प्यासे हैं हम, दीदार करेंगे, तेरी दीद के प्यासे हैं हम, दीदार करेंगे हम, तेरे चरणों से सदा प्यार करेंगे, हम तेरे चरणों से सदा प्यार करेंगे, ज्यादा दिया कम मुझे तू खुशी दिया गम, जो भी दे सरकार ना इनकार करेंगे, दीदार के प्यासे हैं हम, दीदार करेंगे, तेरी दीद के प्यासे हैं हम, दीदार करेंगे, दीदार के प्यासे हैं हम, दीदार करेंगे, हम तेरे चरणों से सदा प्यार करेंगे, ज्यादा दिया कम मुझे ज
याद दिया गम मुझे तो खुशी दिया गम, जो भी दे सरकार ना इनकार करेंगे, दीदार के प्यासे हैं हम दीदार करेंगे, दीदार के प्यासे हैं हम दीदार करेंगे। तेरी आवाज से मेरी आवाज है, वरना ये बेसुरा जीवन का साज है। तेरी आवाज से मेरी आवाज है, वरनाई बेसुरा जीवन का साज है। तर्क ना करेंगे ना तकरार करेंगे, तर्क ना करेंगे ना तकरार करेंगे, तेरी हर बात का एतबार करेंगे, हम तेरी हर बात का एतबार करेंगे, तर्क ना करेंगे। कर कर के देख लिया, कुछ हाथ नहीं लगा, बालू के कण है, दिमाग की खुजली है, शांत कर कर के देख लिया, इस माइंड में कुछ नहीं है, मरुस्थल के सिवा कुछ नहीं, नेगेटिविटी के सिवा कुछ नहीं, सब देख लिया कर कर किया। तर्क ना करेंगे ना तकरार करेंगे, तर्क ना करेंगे ना तकरार करेंगे, हम तेरी हर बात का एतबार करेंगे, हम तेरी हर बात का एतबार करेंगे, हम तेरे कदमों पे सदा कुर्बान रहेंगे। ज्यादा दिया कम मुझे, गरीबी दे अमीरी दे, गरीबड़ा रख अमीर रख, साधन संपन्न रख साधनहीन रख, किंतु हम तेरे से संसार नहीं मांगेंगे, हम तेरे से सुख नहीं मांगेंगे, हम तेरे से मांगेंगे ही नहीं। तेरी प्यास में डूबे डूबे बादशाह की तरह जिएंगे, तेरी प्यास में तेरे दर्द में तेरे दीवानगी में खो करके हम शहनशाहों की तरह जिएंगे, हम सही माने में शहनशाह हो जाएंगे। अगर तू प्यास बख्शे
अपना दर्द बख्शे। यही तेरी सच्ची रहमत है, कृपा है, करुणा है, यही एकमात्र तेरी दया है, वास्तविक वरदान है तेरा, जिसके लिए हम दिन रात तरसते तड़पते हैं। प्यास, एकमात्र प्यास तेरी इंतजारी, तेरी प्रतीक्षा पल पल में। एकमात्र तेरी प्यास, गरीबी अमीरी का क्वेश्चन नहीं है, तेरी रहमत कृपा का है। तो झोपड़ी पे भी बरसा, तो महलों में भी बरसा, तो बंगलों में भी बरसा, तो कंगलों पे भी बरसा, तो शमशान पे भी बरसा, और तो शान और शौकत की जिंदगी पर भी बरसा, तो किसी भी हालात में बरसा, प्यास बन के बरसा। जो दोगी फूल तो उसको संवार लो, जो दोगी कांटे तो हंस कर गुजार लो। राम राजकुमार को गुरु वशिष्ठ राज तिलक कर रहा है। वो सब जानी जान जागी ब्रह्मा की पुत्र ब्रह्म ऋषि, वो सर्वज्ञ, वो अंतर्यामी सदगुरु, कितना बैलेंस, कितना संतुलन देखना। राम कथा सुनने वालों, रामायण पाठ करने वालों, जरा देखना कहां से पाया, गुरु कृपा से पाया, गुरु के चरण शरण में मिट मिट करके 20-20 साल राम ने भगवत्ता को पाया, भगवान होके आए। लोग कहते हैं सदगुरु भगवान नहीं होता, हम भी कहते हैं सदगुरु भगवान नहीं होता, किंतु याद रखना सदगुरु के द्वार पर मिटे बिना कोई अवतार भी भगवान नहीं होता, भगवान प्रकट होता है सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के द्वार पर भगवान बनाया जाता है, भगवान पैदा होता है, भगवत्ता का जन्म होता है, यहां दीप से दीप जलाया जाता है, वहां एक आत्म की स्थिति को उजागर किया जाता है। गुरु शिष्य की इस महान पावन शाश्वत आत्मिक जगमगाती प्रेममय रिश्ते में ही तमाम सदग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद निकले हैं, केवल इस एकमात्र शाश्वत संबंध में ही भगवत्ता का जन्म हुआ है, भगवत्ता का उद्धारण हुआ है। सब भगवान गुरु द्वार पर भगवत्ता को पाकर के हुए हैं। गुरु भगवान नहीं होता, किंतु कोई भी भगवान बिना गुरु के नहीं होता, ये बात समझ लेना। गुरु वो है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वह है जो तुझे जगमगाए, अपने स्वभाव में, अपने अनुभव में, एकमात्र अपनी एनलाइटेंड स्टेट को जगमगाने का अवसर दवाए, सहयोग दवाए, मैत्री करें, मित्रता प्रदान करें, सहयोग दवाए, उसकी प्यास को बढ़ावा दे। प्यास देता है वहां परमात्मा, तो तू स्वयं ही है, तेरा भीतर है, वो प्यास देता है, दर्द देता है, दीवानगी देता है, वाह, जगमगाता दीप स्वयं को यूनिक एग्जाम्पल के रूप में पेश करता, वो वाइब्रेशन और ऑरा का महान जगमगाता हुआ महासूर्य, जिसके प्रकाश में तू भी अपना ऑरा, अपनी वाइब्रेशंस का महासागर छलकाता चला जाता है, वो भगवत्ता प्रदान करता है,
भगवत्ता एकमात्र धार्मिकता है। तेरा जागरण, तेरी होश, तेरी सुरती, क्या गजब की प्रैक्टिकल लाइफ में देखना भगवान राम के, राम राजकुमार को राजा बनाया जा रहा है, राज तिलक हो रहा और अगले ही क्षण उसको 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। किंतु तिलक लगवाते समय जोश नहीं, तनिक मात्र जोश नहीं, बैलेंस, संतुलन, पूरा पूरा संतुलन है वहां, तनिक मात्र भी हलचल नहीं भीतर अहंकार की, अभिमान की। और अगले ही पल, ओह, जब 14 वर्ष का कांटो भरा मार्ग, 14 वर्ष का वनवास सुनाया गया तो पूरी होश पूर्ण स्थिति में है, तनिक मात्र रिएक्शन नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, रिवेंजफुलनेस नहीं, तनिक मात्र भी बदले की भावना नहीं, तनिक मात्र भी विद्रोह नहीं, रिएक्शन नहीं, प्रतिक्रिया नहीं। कितना बैलेंस, कितना संतुलन है, कितनी होश है वहां, कितना जागरण है। दोनों हालात को बराबर स्वीकार किया जा रहा है, दोनों हालात को एक ही समय में, दो हालात, पॉजिटिव नेगेटिव, दुखों भरा और सुख भरा, दोनों हालात साथ साथ। चुनाव कर लीजिएगा राम, चुनाव कीजिएगा। जोश और होश का समन्वित रूप राम को सारे विश्व का महानायक बना गया, जीवन दिशा का महान जगमगाता महासूर्य बना गया। चुनाव में राम ने चारों तरफ किसी को नहीं देखा, अपने गुरु की नजर को देखा। वहां विराजमान गुरु वशिष्ठ की नजरों से नजर मिलाकर के, नजर मिलाकर के, नजर से इशारा कर दिया गुरु ने। नजर से नजर मिलते ही समाधान उतर आया, चुनाव राम तेरे सामने है, तेरे सामने है। अगर 14 वर्ष की वनवास स्थिति को हो चुनेगा तो सारी अयोध्या बर्बाद हो जाएगी, पिता स्वर्ग से धार जाएंगे बेहोश, मौत चारों ओर खड़ी है, सब कुछ कुर्बान, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा, सारा घर परिवार लुट जाएगा। जोश और होश दोनों देखना, कैसे दाएं बाएं, कितना समन्वित रूप, कितना सिंथेसिस है दोनों का। मिलने पर जोश नहीं और ना मिलने पर तनिक मात्र भी कोई निराशा नहीं, कितनी होश है वहां। कहां से पाई? मिट मिट करके गुरुद्वार से पाई। कहां से पाई? अपना आप उसके हाथ में दे करके पाई। और भारतीय संस्कृति के नायक हो गई राम। क्या चुना? गुरु ने नजर दे दी, थोड़ी नजर, थोड़ा इशारा कर दिया, गुरु की नजर से ही चलते हैं राम। अंतिम घड़ी तक हालांकि स्वयं भगवान हो गए हैं, स्वयं सदगुरु हो गए हैं, स्वयं मास्टर हो गए हैं, स्वयं मालिक हो गए हैं जीवन के, फिर भी तनिक मात्र ईगो अहम नहीं देखोगे वहां। हर पल, हर घड़ी, हर कदम पर गुरु वशिष्ठ के इशारे से चलता है। गुरु वशिष्ठ कुल पूजा हम आ रहे, जिनकी कृपा तनुज रन मारी। क्या गजब क्रेडिट देते हैं, स्वयं भगवान होकर के गुरु के द्वार पर कैसे मिटे हुए हैं। आखिरी एक सरयू नदी में अगर जल समाधि भी लेना है तो भी पूछ के लिए जा रही है।
अपना कोई निर्णय नहीं, हालांकि भगवान है, दिशा है जीवन की दिए जा रहा है हम सब साधारण लोगों को उत्कृष्ट उत्कर्ष बनने के लिए, रूपांतरित होने के लिए रसायन प्रदान करते चले जा रहा है, दिशा देते जा रहा है, अपनी करनी से दिशा दे रहा है। जो दोगे फूल तो उसको संवार लो, जो दोगे कांटे तो हंस कर गुजार लो, तेरी एक दीद के लिए मुर्शिद जी मैं अपना सर्वस्व ही वार दूं, तेरी एक झलक के लिए दादाजी मैं अपना सर्वस्व ही वार दूं, सर भी मांगो नहीं इनकार करेंगे, सर भी मांगो नहीं इनकार करेंगे, हम तेरी इशारे का इंतजार करेंगे, दीदार के प्यासे हम दीदार करेंगे, हम तेरे चरणों से सदा प्यार करेंगे। करेंगे